हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र मारोठिया में। अभी जस्ट आपने मेरी एक जर्नी देखी होगी जो कि मेरे होम टाउन से एक लोकेशन विजिट करने के लिए मैं निकल चुका था। और सबको पता है कि आज कैमरा मेरा स्टैंड पे लगा हुआ था। जिस भाई को भी पता नहीं है कि आज मेरा कैमरा कैसे चल रहा था, उसको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कैमरा मेरा एक स्टैंड पर लगा हुआ है जो कि मेरे स्कूटर के ऊपर मैंने सेटअप कर रखा है। एक ऐसी लोकेशन दोस्तों जिसके पीछे की वजह जब मैंने सुनी तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि इस लोकेशन को क्या मुझे विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां मैं जाने वाला हूं वहां पे जो स्पिरिट नजर आती है, जो आत्मा नजर आती है दोस्तों, उसकी मौत की वजह किसी को भी पता नहीं है। वहां के आसपास के लोगों का कहना है कि जब हमने वो चीज़ें हमारी आंखों से देखी तो हमें खुद को विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ पे एक साया नजर आता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वहाँ पे एक लड़की की आत्मा भटकती हुई नजर आती है, और जब भी उस आत्मा को किसी ने देखा है तो उसी जगह एक वॉन्टेड हाउस बना हुआ है। दोस्तों इस लोकेशन के ऊपर मैं गूगल लोकेशन के हिसाब से जाने वाला हूँ और मेरे होम टाउन से 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। मैं अकेला इस लोकेशन को विजिट करूंगा क्योंकि इस लोकेशन के ऊपर जाने के लिए मेरे पास में ना तो कोई टीम थी, ना मेरे कैमरे का कोई सेटअप ऐसा था जिससे मैं इस लोकेशन को बहुत अच्छे से विजिट कर पाऊँ। यहाँ तक कि मेरी जो लाइट है वो भी मेरे पास में प्रॉपर नहीं थी। एक लाइट ज़रूर थी मगर वो प्रॉपर काम नहीं करती, इसलिए दोस्तों मैं बिना किसी सेफ्टी के और बिना किसी सेटअप के इस लोकेशन को विजिट करने के लिए निकल रहा हूँ। मुझे ये देखना है कि उस घर के बाहर या उस घर के अंदर या उस रोड के ऊपर वो साया नज़र आता है या नहीं आता है। दोस्तों कैमरा अकेला चलाने वाला हूँ, प्लीज़ मैनेज कर लेना। और आज उस लोकेशन के ऊपर सिर्फ ये देखना है मुझे कि मनीष भाई की बातों में कितनी सच्चाई है। तो भाई जो भी चैनल पर नए हैं उनको मेरा बहुत सारा प्यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी आज होगा अगर कुछ ऐसी चीज़ नज़र आएगी तो ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो जितेंद्र मारोठिया को इतना प्यार दे रहे हो। ऐसे ही आपका साथ बना रहा तो मैं हमेशा लोकेशन विजिट करता रहूँगा। जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था कि मैं गूगल मैप के जरिए उस कॉलोनी के अंदर पहुंचूंगा। इस लोकेशन की तरफ मैं घूम चुका हूं और लगभग मुझे जहां तक लग रहा है वो लोकेशन यहां से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि एरो का निशान जो दिखा रहा है वो लगभग मान के चलो आप यहां से आधा किलोमीटर दूर वो लोकेशन बता रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो मकान होते हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं, रोड सुनसान भी है इधर। अब यार दोस्तों देखना है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है जो मैंने आपको इंट्रो में बोला था। लगभग आपने सारी बातें मेरी सुनी होगी, और अगर किसी ने मेरा इंट्रो स्किप मार दिया तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा मकान जो कि बहुत साल पहले खंडर में तब्दील हो चुका है, यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं उनका ये कहना है कि हम जब भी रात को 12 बजे बाद में इस रोड की तरफ निकलते हैं या आगे जाने की कोशिश करते हैं तो एक अजीब सा साया ब्लैक कलर का जाता हुआ नज़र आता है।
उसी घर के बाहर अधिकतर वो चीज़ नज़र आती है। और जो आगे रेजिडेंस बने हुए हैं उनका ये कहना है कि कुछ चीखों की आवाज़ें आती है नाइट के अंदर। और मेरा जो गूगल मैप जो ऑन कर रखा है मैंने दोस्तों, उस हिसाब से मुझे लगता है कि लोकेशन करीब करीब आ चुकी है और वो जो मकान है वो यहीं आसपास ही दिखा रहा है। मैं एक बार सिटी आप देख रहे हो कि यहाँ से, जैसे मैंने आपको कहा था इंट्रो के अंदर कि वो लोकेशन और जो वो हॉन्टेड हाउस है वो आसपास ही है, बिल्कुल मेन रोड के, और चारों तरफ गुप्त अंधेरा है। और लगभग 12 बजने में अभी करीबन ये मान के चलो आप मुश्किल से 20 से 25 मिनट ही होंगे। मुझे ये देखना है कि वो हॉन्टेड हाउस यहाँ कहाँ है। बस अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। और दोस्तों यार मैंने आपको कहा ही था कि आज मैंने जो मेरा स्टैंड लगाया वो स्कूटर के ऊपर लगाया और कैमरा मैंने अकेला ही चलाया और हैंडल कराया। और स्टैंड के ऊपर अगर कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा हो तो प्लीज़ यार मैनेज कर लेना यार दोस्तों। बाकी एक बाउंड्री ज़रूर सामने दिख रही है मुझे और लगभग मकान भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल बंद पड़ा है। शायद दोस्तों हो सकता है कि ये वही मकान हो। आप अभी गेट देख रहे होंगे यार दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्टैंड से हटा के और मेरे हाथ में लेता हूँ कैमरे को। जैसे आप देख रहे हो यार दोस्तों इस गेट के एक लॉक लगा हुआ है। अजीब सा महसूस ज़रूर हो रहा है मगर अभी तक कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। मैं कोशिश करता हूँ वो मकान जो बना हुआ है दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर जाके आऊँ मैं एक बार। दोस्तों यार मेरे पास में ना तो लाइट है ना कुछ है, बस इमरजेंसी में मैंने आपको कहा ही था कि अचानक फ़ोन आया और मुझे ये लोकेशन किसी ने सजेस्ट करी है। तो बहुत अजीब सा लग रहा है यार दोस्तों, यहाँ पे बहुत अजीब सा लग रहा है। शायद हो सकता है ये वही मकान हो। मैं आगे जाके देखता हूँ एक बार क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अगर कोई चीज़ होगी तो कैप्चर करके बताऊँगा। और हमें जो बोला है वो ये बोला है दोस्तों कि इस जैसे ये बाउंड्री अंदर कोई क्रॉस करता है उसकी मौत हो जाती है। मैं फिर भी आगे एक बार स्कूटर लेता हूँ और पूरा कोशिश करता हूँ। हाँ दोस्तों वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, शायद ये वही मकान है। मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाता हूँ। कहते हैं कि यहाँ पे बाहर कुछ शेड वगैरह नज़र आती है। फिर भी कंफर्म नहीं है यार दोस्तों, मैं आगे जाके देखता हूँ कि अगर कोई चीज़ या कोई इंसान या वगैरह कोई भी यहाँ पर मिलता है मुझे तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सामने की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रहने वाले भी हैं यहाँ पे, या हो सकता है किसी का मकान हो, या शायद हो सकता है कोई पता नहीं मंदिर है या क्या है। कंफर्म नहीं यार दोस्तों ये वही मकान है या कोई दूसरा है, मगर जो मेरे को लोकेशन सेंड करी थी जिस भी बंदे ने उस हिसाब से तो लोकेशन यही होनी चाहिए। फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ आगे जाके देखने की। दो
दोस्तों आगे जाने का तो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है, शायद आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं, मगर आगे जाने का रास्ता ब्लॉक है और ये पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई है यहाँ पे, और एक भी इंसान नहीं है जिससे मैं बात करूँ यहाँ पे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ एक बार उस, और शायद हो सकता है कि ये मकान वही हो जिसके लिए कहते हैं कि यहाँ पे एक काले कलर का साया नज़र आता है। कौन हो दोस्तों? आप देख रहे हो सामने की तरफ पता नहीं क्या चीज है, मेन रास्ते के अंदर कोई चीज आके खड़ी हो गई, और ये वहीं खड़ी है जहां पे उस मकान का सेकंड नंबर का जो गेट दिखा था अभी आपको। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या जिस लड़की के बारे में मैंने सुना है आप वही हो? और आपके साथ में यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आपकी आत्मा आज भी यहाँ पे दिखाई देती है? मैं ये वजह जानना चाहता हूँ। और दूसरा कि क्या जो मैंने अभी पीछे की साइड में घर देखा था, क्या वो मकान आपका है? क्या मुझे कुछ इशारा दे सकते हो आप? क्या आप उसी लड़की की आत्मा हो जिसके लिए मैंने बहुत सारी बातें सुनी है? मुझे आपकी मौत का राज अभी तक पता नहीं है, ऐसी क्या वजह है जिसके कारण आपकी आत्मा यहाँ पे भटकती है? ऐसा आपके साथ में क्या हुआ? दोस्तों मेरे पास में लाइट नहीं है, अगर मैंने स्कूटर छोड़ के अगर आगे बढ़ने की थोड़ी सी भी कोशिश करी तो शायद मेरे साथ में कोई भी तकलीफ हो सकती है, मगर मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि इस चीज को मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा सकूं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार कि मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं 50 किलोमीटर घर से दूर जा रहा हूं और मेन रेजिडेंस एरिया के अंदर ये चीज़ नज़र आती है, और मैंने ये देख लिया है कि यहाँ पे वास्तव में एक ब्लैक कलर का शेडो नज़र आ रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप मुझे कोई भी नुकसान मत पहुँचाओ और ना पहुँचाने की कोशिश करना। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य कुछ गलत नहीं है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आपकी मौत इसी मकान में हुई थी? अगर आप रियल के अंदर इस मकान में रहते हो या आपका रियल में यही मकान है तो आप क्या मुझे बता सकते हो, कोई इशारा दे सकते हो जिससे मुझे ये महसूस हो जाए कि आप यहाँ रहते हो? मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं यहाँ अपनी पूरी टीम को लाके और ये जो भी आपके साथ में हुआ पूरी कोशिश करूँगा उसका पता लगाने की कि आपके साथ में ऐसा क्या हुआ। ये एक राज है जो अभी तक कोई नहीं जानता है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या ये मकान आपका ही है? देखो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कोई ऐसा इशारा। दोस्तों उस आप देख रहे हो एकदम घूमने के बाद में ये शायद वो उसी गेट के अंदर जा रही है। शायद हो सकता है कि ये कोई इशारा देना चाहती हो, ये मकान उसी का है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जहाँ आप जा रहे हो? क्या आप चाहते हो मैं आपके पीछे पीछे आऊँ? दोस्तों मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। अभी अभी जो चीज़ अंदर गई है मैं अंदर जाके पूरी कोशिश करूँगा, मगर एक प्रॉब्लम मेरे साथ में ये है कि आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। दूसरी बात मेरे पास में आज लाइट नहीं है। दोस्तों वो चीज़ अभी जस्ट इसी मकान की तरफ गई है।
देखो मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। रिक्स नहीं लूंगा, अचानक वो चीज गायब हो चुकी है यहाँ से। हो सकता है उस मकान की तरफ गई हो, मगर मैं अंदर जाने की रिक्स नहीं लूंगा यार। दोस्तों मैं बिल्कुल अकेला हूँ। दूसरी बार मेरे पास में आज फोकस लाइट नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। शायद हो सकता है ये कोई इशारा हो। ये कन्फर्म हो सकता है यार, कन्फर्म हो चुका है यार दोस्तों। ये मकान जो मैंने आपको दिखाया था, शायद आप देख रहे होंगे ये मकान। मैं अच्छे से आपको कवर करके दिखाऊंगा जब मैं यहाँ पे राजन भाई या किसी दूसरे के साथ में यहाँ पे आऊंगा। और बाप रे, ये क्या दोस्तों, अभी इस गेट के अंदर गई थी और ये चीज आपने देखा। देखो मैं, और बाप रे दोस्तों, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में। ये चीज खतरनाक है यार दोस्तों। अचानक इस गेट के अंदर गई थी और ये चीज सामने आ गई यार दोस्तों। मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मुझे यहाँ से निकलना है बस।